हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम लोग आ गए अभयदाता मंदिर रायबरेली में, जिसका व्लॉग हमने आपको एक दिन पहले भी डाल के दिखाया था, जिसमें हमने आपको दिखाया था यहाँ की मूर्ति के बारे में। उसके बाद हमने आपको यहाँ के दिखाया पौराणिक कथा क्या है। चलिए आज आपको दिखाते हैं जो महाभंडारा हो रहा है, जो यहाँ का महापर्व मनाया जा रहा है आखिरी ज्येष्ठ चतुर्थ मंगल का। चलिए आपको वो दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आयोजन किया गया है, पूरा भक्तिमय। ऐसा लगता है भगवान स्वयं यहाँ पर बैठे हैं और अपने सभी भक्तों को बुला रहे हों। दोस्तों, यह अभयदाता मंदिर है जो कि रायबरेली का भवानी मिल्स के पास मंदिर स्थित है। दोस्तों, यहाँ का जो हमने दो वीडियो बनाए थे, एक में आपको दिखाया था यहाँ के हनुमान जी के बारे में और एक में यहाँ पे हनुमान जी की जो पौराणिक कथा है वो दिखाए थे। और दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि मंदिर कितना अलग सा लग रहा है, इतना सुंदर सजाया गया है। पूरा यहाँ पर जो है डेकोरेशन करी गई, मतलब और भीड़ भी दोस्तों इतनी बेइंतहा भीड़ है, मतलब रोड से लाइन लगी हुई है और अंदर तक लाइन है। और मतलब हम लोग यहाँ पे 6 बजे आए और इस समय 7:15 हो रहा है, अभी तक हम लोग को अंदर जाने का वो नहीं मिल पा रहा है, इतनी भीड़ है। एक तो आखिरी मंगल है, उसके अलावा यहाँ पर आखिरी मंगल को बहुत ही स्पेशल सुंदरकांड और ये सब सजावट का आयोजन किया गया, इस वजह से और ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो गई है, देख सकते हैं आप लोग पीछे। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग को भी आगे जाने का रास्ता मिल ही रहा है, भगवान बुला रहे हैं, तो अब आगे चलते हैं और आगे के सीन्स में हम आपको दिखाते जाएंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से मंदिर दिखने लगा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी भी भीड़ बहुत है और यहाँ पर दोस्तों संगीत में सुंदरकांड भी चला, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं हम, क्योंकि वो इतना सुंदर तरीके से जो भी गायक आए हैं, आशीष शुक्ला नाम है, बहुत अच्छे तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे संगीत में सुंदरकांड। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं सुंदरकांड की ये बहुत संगीतमय महिमा। तो दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर के गर्भगृह के काफ़ी करीब आ चुके हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है और देखते हैं आगे जाके कैसे क्या दर्शन वगैरह कैसे होंगे हम लोग को। चलिए आपको अगले सीन में दिखाते हैं। Oh, oh, oh.
तो दोस्तों फाइनली हम लोग गर्भगृह में आ गए हैं और देख सकते हैं आप लोग, हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और प्रभु का इतना सुंदर दर्शन हुआ है कि बहुत आराम से हमने दर्शन भी किया, वीडियो भी बना ली। और अब इसी के साथ दोस्तों हम आपसे लेते विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।